ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਇਲਸ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਇਲਸ ਪੜਨ ਚ ਲਾਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ 5.5 ਤੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਸੇਮ ਦ ਵਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਟੂ ਆਲ ਦ ਰੀਡਿੰਗ सत श्रीकाल जी सारों नूं मैं तुहाडा अपना सुखचैन राही आर एस ग्लोबल इमीग्रेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम राही हर बार कोशिश होंदी है कुछ नवा कंटेंट कुछ नवी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करिए धन्नवाद तुहाडे सारयां दा तुसीं इड्डा प्यार दिंदे हो बहुत ज़्यादा अपने फीडबैक कमेंट्स दे विच भेजदे हो सो जिथे असीं स्टूडेंट वीज़ा नूं लैके पी आर नूं लैके अलग अलग कंट्रीज़ के नवे कानूनों की अपडेशन लैके असीं वीडियो पाउने सो हुण एक नवी सीरीज़ तुहाडे नाल शुरू करन जा रहे हैं आर एस ग्लोबल स्कूल ऑफ लैंगुएजेस दे पेज ते और आर एस ग्लोबल इमीग्रेशन के पेज पर सो जिन्होंने हाल तक साडा आर एस ग्लोबल स्कूल ऑफ लैंगुएजेस के नाम से पेज सबसक्राइब नहीं किया फटाफट सबसक्राइब जरूर कर लैन असं उन्हें भी वीडियोज़ पाया करा आइल्स नू लैके चार अक्षर का शब्द है आइल्स आई ई एल टी एस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंगुएज टेस्टिंग सिस्टम पिछले 5-7 साल 10 साल यह वर्ड एक इन्ना क वड्डा लोगों के दिलों दिमाग घर कर चुका है एक बच्चे की आई एस आई पी एस की डिग्री दे पढ़ाई दे टेस्ट दे बराबर एक आइल्स बन गया बच्चों के लोगों के जात पात का वितकरा खत्म करता आइल्स ने कुड़ी चाहे नीवी जात की है मुंडा चाहे उच्ची जात का आइल्स की कुड़ी लभदे है क्योंकि कनेडा जा सकांगे यूके जा सकांगे ऑस्ट्रेलिया जा सकांगे सो अज गल इमीग्रेशन की नहीं होएगी अज गल वीज़ा की नहीं होएगी अज गल होएगी आइल्स जो एक बच्चों के दिल दिमाग हवा बन चुका दफ्तर च बैठदा मैं अलग अलग ब्रांच के बच्चे आते मिलन स्पैशली माझे तो या मालवे के एरिए तो या दुआबे के पिंडा के एरिए तो लोग आते हैं एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार ईवन कि इदा की लड़की मिली मैं नाम नहीं लैना चाहूँगा जलंधर के किसी पिंड की 11 बार आइल्स की बच्चे ने कैनेडा जाना चाहती है 6 बैंड ही नहीं आ रहे बार बार कदे रीडिंग चो कदे स्पीकिंग चो कदे लिसनिंग चो 5.5 जाने कि 5.5 बैंड रह जाते हैं सो अज गल करांगे कि बच्चे दे मन चाहे रिक्वायर्ड बैंड्स क्यों नहीं आ पाते रीडिंग चो बच्चा क्यों रह जाता जां लिसनिंग स्पीकिंग चो क्यों रह जाता या फिर आइल्स एडा वड्डा हवा क्यों बन गया पंजाब दे बच्चों ने सो मेरी टीम डेली बेसिस से वीकली 2 या 3 वीडियोज़ बना के बच्चा किवें अपनी रीडिंग दे बैंड घर बैठे साडे चैनल दे राही इंप्रूव कर सकता घर बैठे अपनी आइल्स नू जिहड़ा कि हवा बन चुकिया किवें हवा दिल दिमाग चो कढ सकदा सो अज दी वीडियो तो बाद तुसीं डेली बेसिस साडे चैनल ते वीडियो जरूर देखिया करोगे सो मेरे नाल अज ने साडे आर एस ग्लोबल स्कूल ऑफ लैंगुएजेस दे डिपार्टमेंट तो मैडम नवनीत जो कि खुद आइल्स तों 8 बैंड लैके अज बच्चों इत्थे पढ़ा रहे ने पिछले काफ़ी चिर तो अपनियां सेवावां दे रहे हैं सो गल्लां करांगे कुछ बाकी जिहड़े एपीसोड्स होणगे उर च असीं कल्ले कल्ले मोड्यूल दे उत्ते वी फोकस करांगे बच्चे जिहड़े पिंड तों बिलोंग करदे ने पंजाब बोर्ड तों पढ़े ने पिंडां तों उठदे ने उह किवें आइल्स दा दिमाग चों हवा कढ सकणगे उह अगली वीडियो च गल करांगे सो पर फिर अज दी इंट्रोडक्शन वीडियो च दसदे आ कि आर एस ग्लोबल स्कूल ऑफ लैंगुएजेस बाकी आइल्स सेंटर नालों तुहानूं किवें इक वक्खरी जिहड़ी एजुकेशन दिंदा है सो सब तों पहला स्वागत वेलकम नवनीत जी थैंक यू सर की हाल है ठीक ठाक हो हां जी सर सो की कहना चाहोगे बच्चों जिवें कि तुसीं वी रोज़ बच्चे नाल विचरदे हो असीं वी विचरदे हां तुहाडे कोल स्टूडेंट्स आउंदे आ ज्यादातर स्टूडेंट्स साडे कोल आउंदे ने जो सबाब एरिए तो जाने के पिंडा तो बिलोंग करते हैं तुम स्टूडेंट मिलते हो बार बार आइल्स बच्चा करके थक गया 2-3 साल उन्हें आइल्स पढ़ने से लाते जिन्ने चिर डिग्री हो जाती है क्यों नहीं पंजाब का बच्चा अपने रिक्वायर्ड बैंड लै पाता क्यों 6 बैंड लैना या 6.5 बैंड लैना पंजाब के बच्चों लिए हवा क्यों बनया सर इहदा बेसिक रीज़न यही है कि बच्चे जिद्दां ही आइल्स इंस्टीट्यूट्स दे विच एंटर करते हैं उन्होंने दिल तो दिमाग दे विच यही डर बिठा दिता जाता है भी एक यह हवा है एंड उन्होंने प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ फॉलो नहीं करवाई जाएँ सीधा उन्होंने यह दसया जाता है कि तुहाडा ये एरर है तुहाडा ये एरर है बट उस एरर नू रिमूव किवें कीता जाएगा उस एरर नू रिमूव करन लई प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी की होएगी उन्होंने कभी दसया ही नहीं जाता सो इस दे करके बार 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 वो आइल्स बेचारे देंदे रह जाते हैं एंड इन द एंड उन्होंने हाथ लगता कुछ भी नहीं है सो इसलिए साड़ी यही हमेशा बच्चों सजेशन रहती है कि जिहड़े रिपीटर्स आते हैं साढ़े को
कि असी सब तो पहले ये देखदा भी बच्चे नू इवैल्यूएट करके उहदी गलती कित्थे आ रही है। साडा सब तो पहले आंदे ही उसदी उसदा टेस्ट लैंदे आ जिहनू असी असैसमेंट टेस्ट बोलदे आ। सो सानू उत्थों ही पता चल जांदा भी उह कित्थे बच्चा स्टैंड कर रहा है, उहदी गलतियां की ने। सो रैदर दैन कि असी उहनू बार बार इस गल दी रियलाइजेशन करवाइए भी तू इत्थे गलत है तैनू इत्थे गलत है, असी उहनू दसदे आ भी तू इस एरर नू तू किवें रिमूव कर सकदा है। ओके सो बेसिकली तुहाडे कहण दा मतलब कि जो बच्चा स्टूडेंट तुहाडे कोल आउंदा एक दो तीन बार आइलट्स करके तुसीं सब तो पहला उन्हूं डायगनोज कर दिओ। मैं जे तुहानूं अपने इस आइलट्स की कोचिंग सेंटर नूं एक डॉक्टरी किते नाल मिला के देखा भी जो एक डॉक्टर कोल एक पेशेंट जाता सब तो पहला उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं कि उसकी जिहड़ी बीमारी या डिजीज़ आ किस लैवल ते पहुँच गई है, उसका ट्रीटमेंट दवाई खा के हल हुंदा या ओपरेट करके हल हुंदा या किवें हुंदा उह एक सियाना डॉक्टर दस सकदा। सो बेसिकली इस इंस्टीट्यूट में सब तो पहला बच्चे को डायगनोज किया जाता है, उसकी नब्ज़ पहचानी जाती है कि बच्चा मार कितने खा रहा, कमी कितने रह रही बच्चे की, उस तो बाद तुसी उसके मुताबिक बच्चे दे कर दो। अच्छा ये दसो कि आर एस गोबल स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आईएलटीएस तों अलावा होर कीड़ियां सर्विसेज नाल दित्तियां जांदियां? सर आईएलटीएस तों अलावा साडे कोल पीटी प्रोवाइड करवाई जाती है स्टूडेंट्स नूं दी टीचिंग, एंड पीटी दे भी साडे बहुत अच्छे ट्रेनर्स ने जिहड़े ऑलरेडी मोर दैन 777-8 जिन्हां ने अचीव किए ने। अपार्ट फ्रॉम दैट पीटी असीं स्पोकन इंग्लिश भी करवाते हैं कि जिहड़े बच्चों का बिल्कुल फंडामेंटल लैवल की इंग्लिश है जिहड़े बच्चे वो इंप्रूव करना चाहते हैं, या नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, उस तो इलावा भी कई उदा भी जो लोग ने अजक के टाइम के अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में इनहैंस करना चाहते हैं, सो वो भी इतने आके स्पोकन इंग्लिश की जी क्लासेज ने उन्होंने ज्वाइन कर सकते हैं। नवनीत मेरा एक आपका सवाल है, ज्यादातर स्टूडेंट्स मैं मिलते हैं सर कैनेडा जाना आइल्स नहीं होंगी पी टी कर लवा, कि वाकई पी टी ईजी है आइल्स नालों या बच्चा सिर्फ एक सिर्फ भरम भुलेखा बनया? सर एक एक लैवल का आप जरूर कह सकते हैं कि लोगों के मिथ जरूर हैगी है, भुलेखा जरूर हैगा भी आयल्स के नालों जी पी टी है वह सौखी हैगी है, बट जो असी उस चीज़ को अटैम्प्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि दो मोड्यूल आयल्स के ईजी ने एंड दो मोड्यूल पी टी ई के ईजी ने, सो मतलब लैवल दोनों का सेम ही चलता है, जस्ट एम मिथ है। हाँ बट जे बच्चे जिन्हों का हाथ कंप्यूटर्स के अच्छे सो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर पी टी ई, एंड जे राइटिंग अच्छी लिख सकते हैं सो दे कैन चूज आयल्स। डिफरेंस ज़्यादा कोई नहीं है, बट तुसी अपनी कंफर्टेबिलिटी लैवल देखो कि तुसी लिमिटेड टाइम स्पैन दे विच, बिकॉज पी टी दे विच सानू बहुत लिमिटेड टाइम दिता जाता है, सो दे विच तुसी चीज़ों नू इवैल्यूएट करके उन्होंने डिस्क्राइब कर सकते हो या नहीं, या प्रॉपर तुहाडी टाइपिंग स्किल्स हैगी है या नहीं, सो उस हिसाब नाल ही चूज़ करके तुसी अपना आईएलटीएस या पी टी तुसी चूज़ कर सकते हो। ओके एक मेरे वर्गा जिहड़ा मात्र स्टूडेंट तुहाडे कोल आ गया तीन चार बार आइलट्स कर चुका रीडिंग चो साढ़े पर बैंड रह रहे, क्योंकि मैं एक गल तां कीती क्योंकि मेरे जरा एक्सपीरियंस जो बच्चों ने मिलता है तो ज़्यादातर लड़कियां जिहड़ियां गर्ल्स ने वह ज़्यादातर रीडिंग चो साढ़े पर बैंड लैके मतलब बार बार एग्जाम दिता सर रीडिंग चो नहीं छे बैंड आ पाते, कि रीडिंग लिए तुहाडे कोल कोई इहो जिहे स्पैशल टिप्स या स्पैशल लैक्चर या स्पैशल तुहाडे कोल है मटीरियल या करिकुलम की इस तरह का है या स्पैशल की टैक्नीक्स यूज करते हो कि बच्चा साढ़े पाँच तो छे बैंड लै सके? सर द थिंग इज कि मैं खुद मेरे रीडिंग दे विच 9 बैंड्स ने, सो इसलिए आई नो कि बच्चे कितों लैक करते हैं। द थिंग इज जो बच्चे रीडिंग अटैम्प्ट करते हैं इंस्टीट्यूट्स वाले ऑलमोस्ट जिहड़े साढ़े कोल बारहों भी बच्चे रिपीटर्स आते हैं साढ़े इंस्टीट्यूट्स दे विच जो असं उन्होंने देखते हैं ना, सो दे ऑलवेज अपलाई द सेम द वन स्ट्रैटेजी टू ऑल द रीडिंग एग्जैक्टली सर, और साढ़े कोल रीडिंग दे विच जिहड़े ऑलरेडी आईएलटीएस दे चुके हैं बच्चे उन्होंने चंगी तरह पता है कि साढ़े कोल डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे ने, जबकि एक स्ट्रैटेजी तुसी सारे ही क्वेश्चन से किस तरह अपलाई कर सकते हो। सो साडे इंस्टीट्यूट दे विच असी अलग अलग स्ट्रैटेजीज उन्होंने दसदे आ भी तुसी केड़े क्वेश्चन्स दे उत्ते तुसी केड़ी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लगानी है, एंड दूसरा साडे इत्थे टाइम मैनेजमेंट जिहड़ी बच्चों की बिल्कुल भी नहीं होंदी, ऑलमोस्ट असी देखदे आ कि घंटे तो बाद भी बच्चे दो सैक्शन की अटैम्प्ट कर पाते हैं, तीसरे तक तो पहुँचते ही नहीं है, सो जिथे उन्होंने सब तो वाद जो मार्क्स ने उत्थे ही लूज करते हैं। सो इस इसलिए असं उन्होंने दोनों चीज़ों पर वर्क करवाते हैं
कि प्रॉपर उन्होंने स्ट्रैटेजीज दसियां जान कि किस तरीके दे नाल तुसी इंडिविजुअल टाइप के क्वेश्चंस नू डील करना, चाहे वह ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है या वह साढ़े हैडिंग्स टाइप क्वेश्चंस ने, एंड दूसरा टाइम के हिसाब नाल उन्होंने इवैल्यूएट करके आप दसते हैं कि तुसी ये स्ट्रैटेजीज लगाओ, एंड अलग अलग लैवल के बच्चों का जज करके उन्होंने उस तरीके नाल ही डील किया जाता है। ओके, जिहड़े स्टूडेंट्स दूरों ने पंजाब तो नहीं है या जलंधर तो नहीं है किसी होर शहर तो होर सूबे तो है, स्पैशली लड़कियां ने, कि उन्होंने भी तुसी एक्स्ट्रा कोई पीजी दी फैसिलिटी या कोई अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाउंदे हो? एग्जैक्टली सर, पीजी दा भी असी अरेंज करवा सकते हैं उन्हां दे लई, तुसी इत्थे अगर आओ तुसी इत्थे मिल सकदे हो, सानू साडी टीम तुहानू पूरी तरीके नाल फैसिलिटेट करेगी, तुहानू जिहड़े एरिया दे विच जो तुहानू सूटेबल लगे, एंड इवन असी तुहानू खुद भी गाइड करांगे कि जो एरिया साडे हिसाब नाल, बिकॉज़ असी इत्थे रहिंदे आ सानू पता है कि केड़ा एरिया सिक्योर है या कित्थे तुहानू ईजीली अमेनिटीज जिहड़ियां ने तुसी फैच कर सकदे हो उन्हां नूं। सो इस तो अलावा अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं मतलब हरियाणे तो मैं, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर साढ़े को जम्मू तो स्टूडेंट्स पढ़ते सी, कोई ऑनलाइन एजुकेशन की सर्विस भी साढ़े को अवेलेबल है कि बच्चा नहीं फिजिकली क्लास लै सकता, ऑनलाइन अगर साढ़े को 15 दिन 20 दिन एक महीना कुछ एक्सट्रा टिप्स सीखना चाहे स्पीकिंग दे रीडिंग दे राइटिंग दे, कि ऑनलाइन भी असं क्लास दे सकते हैं? बिल्कुल सर, साढ़े को एट करंट साढ़े को नियर अबाउट 10 स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने एनरोल्ड ने, एंड उन्होंने प्रॉपर क्लासेस उन्होंने होंदिया ने, चाहे वह टास्क राइटिंग टास्क ने चाहे वह रीडिंग टास्क है, तो सब कुछ उन्होंने जोड़े भी डाउट्स ने वो असं ऑनलाइन क्लीयर करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी सैटिस्फाइड विद दिस ऑनलाइन टीचिंग। ओके, सो दोस्तों आइल्स तो लैके वीजे तक का सफ़र तय करना चाहते हो तो एक सच्चा साथी सच्चा फिक्रमंद RS ग्लोबल, जिथे तुसी IELTS PT तो लैके वीजे तक का सफ़र तय कर सकते हो। सो वीजे तो बाद फरदर PR तक का सफ़र भी जिहड़े कैनेडा च साडे ऑफिस ने, मेलबर्न च साडे ऑफिस ने, तुहाडी पूरी मदद करते हैं। सो तुसी जलंधर दे एरिए तो बिलोंग करते हो, किसी आस पास के एरिए तो बिलोंग करते हो या किसी होर शहर तो हो, तां वी तुहानू रहण दे लई फैसिलिटीज जिहड़ी PG फैसिलिटीज अवेलेबल ने, दूरों नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन तुसी क्लासेस साडे को लै सकते हो। सो RS ग्लोबल फिलहाल ऑपरचुनिटी दे रहा है या उन्हां बच्चे ने एक वधिया सुनहरी मौका इशू कर रहा है, अगर तुसी RS ग्लोबल स्कूल ऑफ लैंग्वेज विच IELTS साडे कोलों पढ़ते हो, साडी फाइल साडे कोलों कैनेडा लई UK लई ऑस्ट्रेलिया लई किसी कंट्री लगी हुई है, तुहाडी सारी दी सारी फीस जिहड़ी IELTS दी तुसीं कोचिंग दी फीस पे कीती है वो तुहाडी वीज़ा फीस विच रीएंबर्स हो जाएगी। सो अगर इस ऑपरचुनिटी नूं अवेल करना चाहुंदे हो तां 30 अप्रैल तो पहले साडे नाल संपर्क किया जा सकदा। सो IELTS फ्री कराई जा रही है, पहले तुसीं फीस पे कर रहे हो, जदों तुसीं IELTS दा बेसिस ते कैनेडा जां UK जां ऑस्ट्रेलिया साडे कोल अप्लाई कर रहे हो वो तुहाडी सारी दी सारी फीस वीज़ा फीस दे विच जिहड़ी वेव ऑफ हो जाएगी। सो रीडिंग वीक है या स्पीकिंग वीक है, लिसनिंग वीक है या पल्ले नहीं पैंदी IELTS, एक बार RS ग्लोबल स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस दे टीचर्स नू काउंसलर्स नू आके मिलो, जरूर दावा करदा कि तुहाडे दिमाग दे भुलेखे जरूर कड्ढे जाणगे। सो इहदे नाल नाल वादा करदे कि मैडम वीकली बेसिस ते एक जां दो वीडियोज़ बना के तुहानू रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग सारे दे स्पैशल टैक्नीक्स टिप्स जरूर समझाया करनगे। सो साडी वीडियो चंगी लगी तां अगे उन्हां तमाम बच्चों तक जरूर सांझी कर दिओ जिन्हां नूं IELTS सिखाउआ लगदी है, एंड अगे तो तुसीं अगर IELTS नूं घरे बैठे मोबाइल फोन के जरिए कुछ स्पैशल टैक्नीक सीखना चाहते हो, तुसीं किसी भी IELTS सेंटर तो कोचिंग लै रहे हो, लो कोई समस्या नहीं, तुसीं उत्थे बैठे बैठे साडी वीडियोज़ देख के अपने 100% नहीं तो घट्टो घट 50% इंप्रूवमेंट जरूर लैके आ सकते हो। सो अगे तो नवी वीडियोज़ देखने लिए IELTS संबंधित हाउ यू कैन इंप्रूव योर IELTS स्कोर, अगर तुम PR नहीं अपलाई करना किमें 8777, क्योंकि कैनेडा जाने वाला बच्चा जो वीडियो देख रहा है उन्होंने पता कि PR लिए मैं 8777 स्कोर करने पैने, सो किमें 8777 स्कोर टारगेट जो पूरा किया जा सकता, किमें जे 6 ईच कैनेडा की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है, किमें बार बार IELTS में सफलता ना मिलने करके मन चाहे बैन ले जा सकते हैं, एक जवाब है RS ग्लोबल स्कूल ऑफ लैंग्वेज। सो डू विजिट अस, साडे ऑफिस आके एक बार काउंसलिंग जरूर लो, उस तो बाद तुसी आपका फैसला प्लस नैक्सट वीक तो साड़ियाँ कंटिन्यूस वीडियोज़ तुम जरूर देखा करो इस चैनल पर, जिते तुम हरेक मॉड्यूल के रिलेटड या बच्चे की जो थोड़ी कन्फ्यूजन है जब तुम चाहते हो कि इस टॉपिक उत्ते वीडियो बनाई जाए, नीचे कमेंट्स जाके आपकी कन्फ्यूजन आपका सवाल आपका जरा कमेंट आ जरूर बॉक्स सूँ दस दौ ताकि अगले वीडियो असं उस टॉपिक उत्ते बना के तुहाडे रूबरू करने की कोशिश करिए। तद तक मैनू दिओ इजाजत, नाल मेरे नवनीत ने एक नवे वीडियो फिर तुहाडे रूबरू होवांगे, जिउंदे वास्ते रब राखा, सत श्री अकाल जी।